गाइस, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपको अंदर से आत्मसंतुष्टि पहुंचेगी बॉलीवुड की ये बौखलाहट देखते हुए। इनके अंदर जो जलन मच रखी है ना, जो आग लगी हुई है, जो चिड़ मच चुकी है, वो आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ। और आपको भी लगेगा कि बिल्कुल ये जो प्रहार चल रहा है ना, जो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपन कर रहे हैं, जो बॉयकॉट करने की बात हो रही है, आज आपको अंदर से आत्मसंतुष्टि पहुंचने वाली है। करण पटेल, जिसको तो बहुत से लोग जानते नहीं होंगे क्योंकि एक स्ट्रगलिंग ही रहा है बेचारा, अपने लाइफ में इतना कोई बड़ा नाम नहीं कमा पाया, लेकिन अब क्या करे, बॉलीवुड में अगर बढ़ना है तो किसी ना किसी की तो चाटनी पड़ेगी, तो इसने भी अपना खेल शुरू कर दिया है। समझ रहे हो, बॉलीवुड के इन माफियाओं को डिफेंड करने के लिए उतर पड़े हैं उनके ये चमचे, है ना। क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आप लोग क्यों, मतलब कि जो पब्लिक के ऊपर ही डायरेक्ट, अब बेचारे इनको कहां अपनी बौखलाहट दिखाएं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, पूरी पब्लिक ही आज मांग कर रही है कि भैया सीबीआई होनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, इन बॉलीवुड के सो कॉल्ड लोगों को बॉयकॉट करना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति बौखला के क्या बोल रहा है कि ये पब्लिक पागल हो चुकी है क्या, जस्टिस जस्टिस की मांग लगा रखी है ट्विटर और इनपे, और है ना बॉयकॉट करने की बात कर रही है करण जौहर और इनको, इन्होंने जो किया वही तो पब्लिक भी कर रही है, अब इनको डिप्रेशन में भेजने का काम। अरे भैया, ये लोग तो घटिया थे, इनको उनके कर्मों का मिलेगा। सोनम कपूर मैडम कहती है ना कि जिसके जैसे कर्म उसको वैसा मिलना है, तो अब बॉलीवुड के लोग, जो आप लोग, आपका पर्दा फाश हो चुका है, उसके कर्मों का आपको भुगतना पड़ेगा। आप कितने ही वीडियो बना लो, कितनी अपनी बौखलाहट दिखा दो, इंडिया टीवी पे जाके दिखाओ, किसी भी XYZ नेशनल टीवी पे जाके दिखाओ, आपका पर्दाफाश हो चुका है। पब्लिक अब मूर्ख नहीं है, आप रोते रहो, चीखते रहो। आप जैसे सो कॉल्ड दो कौड़ी के एक्टर लोगों को पब्लिक अब देखना पसंद नहीं करेगी। आपकी रियलिटी निकल के सामने आ रही है। आप जो अपने शब्दों से ये ऐसी बौछारे कर रहे हो ना, बौखलाहट वाले, ये क्लैरिटी है कि आप एक बहुत ही बढ़िया एक्टर जिसका मर्डर हो चुका है, उसका सपोर्ट ना करके उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हो जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड में दबाने की कोशिश की, जिन्होंने चाहा कि ये एक्टर राइज ना करे, और उन लोगों का मदद कर रहे हो जो इसमें लिप्त है, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में। तो अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हो बॉलीवुड के ये सो कॉल्ड आर्टिस्ट, तो प्लीज आपको अपने ऊपर धिक्कार होना चाहिए, आपको अपनी जिंदगी पे धिक्कार होना चाहिए। अगर आप अभी भी बॉलीवुड में ये सोच के बैठे हो कि आप राइज कर जाओगे, तो पब्लिक आपको राइज नहीं करने देगी। अगर ऐसे लोग अभी भी बैठे हैं जो अभी तक कुछ नहीं बोले और अपना जहर उगलना चाहते हैं वीडियो पे आके, तो आप संभल जाओ, क्योंकि पब्लिक अब जाग चुकी है, पब्लिक अब समझ चुकी है, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए वो लड़ती रहेगी और आप जैसे लोगों को बॉयकॉट करती रहेगी। तो गाइज, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लो कि व्यक्ति कैसे बौखला चुका है और कैसे पागलों जैसे अपना जहर उगल रहा है। मतलब सीरियसली, आप सुनो इस व्यक्ति को। सॉरी टू से, बट मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी लोग अपनी अपनी अपना अपना मतलब अपनी अपनी नाव लगा रहे ना पार सुशांत के कंधे पे रख के, आई डोंट थिंक दैट इज जस्टिफाइड, बिकॉज दैट मैन हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड, ही इज नॉट हियर, गिवन दैट मच ऑफ डिग्निटी, रहने दो उसे। आप सोशल मीडिया पे देखो, रोज कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस फॉर सुशांत जस्टिस। अरे क्यों जस्टिस भाई, वो आदमी को भाई चैन से रहने दो ना यार। आपको किसी ने बोल दिया नेपोटिज्म है, आपको दो लोगों ने बोल दिया कि नेपोटिज्म की वजह से या काम की वजह से या किसी ने उसको फोर्स किया है, मजबूर किया है, तो आपने मान लिया। वो उसकी लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है, ही नोज द बेस्ट। और जैसे आप लोग खुद ही कहते हैं, तो मुझे अजीब सा लगता है कि लोग जो पोस्ट में कहते हैं ना कि सच एन ब्राइट चाइल्ड, इंटेलिजेंट माइंड, इतना सुलझा हुआ आदमी और ऐसा कदम उठाया है, तो जब इतने सुलझे हुए आदमी ने ऐसा कदम उठाया तो उसकी मजबूरी रही होगी ना, और वो कारण शायद उसने किसी को नहीं बताया, वो उसके अपने साथ ले गया, तो रहने दो, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो आप। लेट समवन्स फैमिली लिव इन पीस, डिग्निटी यार। सर मरने के बाद तो आदमी को छोड़ो। आई एम सॉरी टू से, बट अभिनव कश्यप ने अगर सलमान खान का नाम लिया, तो अभिनव कश्यप को एक बार बैठ के प्लीज उसकी रणबीर कपूर वाली फिल्म दिखा दे उसको यार, बेशर्म दिखा दे उसको बोल अगर तूने पूरी बेशर्म दो बार देख ली ना, तो फिर तुझे आगे सलमान खान का नाम लेने का, क्योंकि बेशर्म जैसी फिल्म देखने के बाद शायद ही कोई दूसरा प्रोड्यूसर उस पे पैसे लगाया यार। जब एक रणबीर कपूर के साथ भी आप अगर फिल्म नहीं हिट दे पाए, तो आप किस मुंह से आप बोल रहे सलमान खान ने अगर तेरे दबा कर दिया भाई। एंड देन देयर इज अ वेरी बिग अनदर वेरी वेरी बिग एक्टर्स एंड टेस्टी एक्टर अगेन, जो भी सुशांत की आवाज उठाई हाल ही में जिस मोहतरमा ने, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों नेपोटिज्म के पीछे पड़ी हुई, आपको क्या दिक्कत क्या है। आज तक तो आपने भी सिर्फ बड़े बहनों के साथ काम किया है। अगर आपको रॉ टैलेंट की इतनी परवाह होती तो आप करती ना किसी डेब्यू राइटर, किसी डेब्यू डायरेक्टर, किसी डेब्यू प्रोड्यूसर के साथ, आप भी तो पहले बैनर पूछती हैं। आपने किया किसी न्यू कमर के साथ काम आज तक, तो किस मुंह से नेपोटिज्म की बात कर रही हैं आप। आपने अपने प्रोडक्शन हाउस में सीईओ या सीईओ के तौर पर अपनी बहन और अपने भाई को रखा है, आपने क्यों नहीं रखा, एप्लीकेंट क्यों नहीं बुलाया, उनसे तो ज्यादा ओनर लोग होंगे ना, तो आपने क्यों चुना अपने घर वालों को। नेपोटिज्म की बात कर रहे हो यार, नेपोटिज्म क्यों नहीं होनी चाहिए मुझे बताओ। अगर मैं एक बाप हूं, अगर मैंने कुछ एस्टैब्लिश किया है,
तो मैं ऑब्वियसली चाहूंगा मेरी लेगेसी में मेरे बच्चे को दूं, मैं पड़ोसी के बच्चे को क्यों दूंगा यार, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। या अगर एवरीबडी, यार हर आदमी अपने धंधे में अपने घर के अपने भरोसे के लोग ढूंढता है, और अगर मुझे मेरे भरोसे के लोग मुझे मेरे खानदान में मिलते हैं तो उसमें बुरा क्या है? अजीब है यार। जिस यशराज, जिस आदित्य चोपड़ा का आप नाम दे रहे हो कि भाई उसने नेपोटिज्म किया, भाई उसी आदित्य चोपड़ा ने रणवीर सिंह को भी तो लॉन्च किया है। रणवीर सिंह का थोड़ी कोई बाप था इंडस्ट्री में, है ना? सुशांत सिंह के साथ काम किया, रणवीर सिंह को भी तो लॉन्च किया उसने, अनुष्का शर्मा को भी तो किया उसने, डब्बे बना दी छोड़ी, क्या हो गया आपको? जस्ट बिकॉज वो दोनों तक है, वो उनका करियर अच्छा चल रहा है, तो तंबाकू नेपोटिज्म ही दिखाई दिया उनका। अजीब है यार। I mean, everybody is trying to just use the poor boy's name and play their right. अगर सुशांत के साथ जो हुआ वो नहीं होता पारस, अभिनव कश्यप पूरी जिंदगी चुप बैठता? मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग ही, everybody using the poor boy's name and trying to play their game right. उन सबको ना एक कारण मिल गया अपनी भड़ास निकालने का। जो सुशांत के जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, फ्रेंड्स है, फैमिली है, वो जब कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्हें जब पता है कुछ बोलना सही नहीं है, क्योंकि जो रीजन होगा वो चला गया उस आदमी के साथ, तो ये बाकी जनता कौन होती है यार? उसका नाम घसीट घसीट के बस रोज जस्टिस फॉर हिम, इसको बैन करो, उसको बैन करो, इसको ये। आपने पढ़ा है सोशल मीडिया पे करण जौहर के फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में इतनी बकवास लिखते हैं लोग उनके अकाउंट पे, तो ये आप में और फिर क्या फर्क रहेगा? जिसके बात जिसके खिलाफ आप बकवास कर रहे हो, आप भी तो वही कर रहे हो ना, आप भी तो मजबूर कर रहे हो किसी को, यार यू शाइनिंग समबडी ऑन सोशल मीडिया। लोगों को समझ में आना चाहिए कि इफ यू बीन गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा बंदा सुशांत का मानो चड्डी यार हो गया हो, जैसे गोद में बैठ के सुशांत को बड़ा किया उसने। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो आपने सुना, ये स्थिति हो चुकी है इनकी, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या बोले क्या करे। कोरोना वायरस ने तो इनको वैसे ही परेशान कर दिया, क्योंकि इनकी पिक्चरें तो अब चलनी नहीं है, इनके टीवी सीरियल तो बंद पड़े हैं, एक्टिंग ये अच्छे से कर नहीं पाते हैं, और ऊपर से काम नहीं मिल रहा है। ऊपर से अब ये और इनको टेंशन है कि भैया पब्लिक बॉयकॉट करेगी इनको, ट्विटर इंस्टा इन पे गालियां पड़ रही है। पड़ेगी भैया, पड़ेगी, या तो आप सुधर जाते, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। आप अपने अहंकार घमंड में इतने चूर हो गए कि आप सलमान खान की चाटते रहे, करण जौहर की चाटते रहे, और ये जितने भी सो कॉल्ड एकता कपूर का जिनका बचाव कर रहे हो ना, जिनके टीवी सीरियल में काम कर करके आप अपने आप को बहुत शहंशाह समझते हो, सर अब आप नहीं चलोगे, आप सुशांत सिंह राजपूत नहीं बन सकते, आप सुशांत सिंह राजपूत के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। तो ये जितने भी बॉलीवुड के रन कर रहे हैं ना, अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत के पैर की धूल भी नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और दिल से दिल तक चैनल को सब्सक्राइब करो।